पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पटना के कई इलाके, खास करके पटना सिटी की अगर बात करें तो यहाँ निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, बाहर निकलने में उन्हें दिक्कत हो रही है और खास करके जो पशु हैं उनके चारे को लेकर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। पटना सिटी के कई इलाके जलमग्न है, सड़क पर 3 फीट तक पानी पहुंच गया है। बाढ़ का पानी गुरुद्वारा के नजदीक तक पहुंच गया है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण खाना नहीं बन पा रहा है, लोगों को गुरुद्वारे में जाकर खाना खाना पड़ रहा है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवियस नारायण ने। वे जल स्तर के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और आपको बताऊं कि पटना का जो ग्रामीण इलाका, तो जो देजारा का इलाका है, उसमें तो बाढ़ जैसे हालात है ही। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे भी जो बाढ़ का पानी जो है वो घुस चुका है। आपको बता दूं कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अभी जहां पे खड़े हैं, ये कंगन घाट है और आप देख सकते हैं कि कंगन घाट जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और गंगा का जो स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। आपको बता दूं कि ना सिर्फ पटना में, दीघा घाट पे, गांधी घाट पे, मोकामा तक अगर आप देखेंगे तो गंगा का जो पानी है ऐसे ही ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से घुस चुका है और जलमग्न है। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग कैसे यहाँ से साइकिल से या पैदल निकल रहे हैं, ये मुख्य सड़क है, ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है। आए दिन जो है इससे गाड़ियां जो है वो 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तमाम यहाँ से पार होती है और गुरुद्वारा तक पहुँचती है। लेकिन जरा देखिए कि कमर भर पानी जो है अभी यहाँ तक पहुँच चुका है, ये हालात हैं इस मुख्य सड़क पर। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कितनी मुश्किल आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है और यहाँ पे लाखों की संख्या में जल अर्पण करने के लिए अपने पितरों के लिए आते हैं। अभी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, जिससे कि पहले हम लोग नीचे जाकर के आराम से गंगा तट पे हम लोग अर्पण करते थे पानी, लेकिन आज हमें ऊपर में ही आधे छाती भर पानी में बैठ करके हम लोग को अर्पण करना पड़ता है। यहाँ पे वो खाना नहीं, खाना घर में कैसे बनेगा, पानी है ये है तो घर में पानी कैसे बनेगा। ज्यादा गुरुद्वारा में खाना आता है, हम लोग खाते हैं गुरुद्वारा में जाके खाना खाते हैं। हाँ सर, मवेशी वगैरह के, मवेशी के वही दे रहे हैं, थाने दिलवाड़ा है कोई कुछ से। हाँ जी सर, कहाँ जा रहे हैं बाबा? अभी जा रहे हैं, इसी पड़ा सड़क से उपाड़ घर पड़ता हम लोग, बड़ा मुश्किल से निकलना पड़ता है, बहुत 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 मुश्किल से, भर कमर भर तो पानी लग जाता है। ये तमाम निर्देश दिए गए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो निर्देश जो है वो तत्काल पालन हो और तमाम जगहों पे जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। तो पटना में बाढ़ की त्रासदी है और इस त्रासदी की तस्वीरें ड्रोन के जरिए हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बयां कर रही है कि किस कदर लोग यहां दहशत में हैं, लोग किस कदर परेशान हैं। तस्वीरें जो सामने आई है वो बता रही है कि तस्वीर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। गंगा घाट किनारे बसे लोगों के आशियाने डूब गए हैं तो सड़कें भी दरिया में तब्दील हो गई हैं। दानापुर से लेकर पटना सिटी के कंगन घाट तक ड्रोन कैमरे से बाढ़ की तस्वीर ली गई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, साथ ही उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। तो चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर घर मकान डूब चुके हैं, फसलें डूब चुकी है और यह सैलाब दिखाई दे रहा है। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है, पटना से बड़ी खबर है जहां सीएम ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है। बता दें कि कंगन घाट जाकर सीएम नीतीश ने जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। हालात पर नजर बनाए रखें, ये सीएम की तरफ से कहा गया है, क्योंकि लोग भयभीत है इस बाढ़ को देखते हुए उचित कदम उठाने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो सीएम की लगातार नजर इस बाढ़ की स्थिति पर, सीएम ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, बाढ़ की त्रासदी पटना झेल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार नजर रख रहे हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज मुख्यमंत्री को भोला पासवान शास्त्री के जयंती समारोह के लिए एसकेएम जाना था और एसकेएम पहुंचने के बाद अचानक से मुख्यमंत्री का काफिला कंगन घाट की ओर निकल गया और चूंकि पटना सिटी का जो कंगन घाट का इलाका है, गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से कंगन घाट के निचले कई इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है गंगा का, जिसकी वजह से लोगों की समस्या बढ़ गई है।
और वहां पे कुछ देर जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री हाजीपुर की तरफ निकल गए और हाजीपुर में भी उन्होंने बाढ़ का जो इलाका है, क्योंकि गंगा के जलस्तर बढ़ने के चलते जो दियारा का इलाका है, जो हाजीपुर का भी कई ऐसा इलाका है, वहां पर भी उन्होंने जाके जायजा लिया और जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जो बाढ़ से परेशान हैं, जो अपने घर बार को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर सरकार ने जो व्यवस्था की है वहां पर रहने आए, तो वहां पे उनकी स्थिति कैसी है, सरकार ने जो व्यवस्था की है वहां पे उन्हें पर्याप्त सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसका भी जायजा लिया और उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया कि जो भी व्यवस्था हो सके उस पूरी व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने गंगा के बड़े जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी हो या पटना के डीएम हो, तमाम लोगों को उन्होंने एक तरीके से निर्देश दिया कि पल पल की स्थिति पर नजर रखी जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, क्योंकि जल संसाधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और गंगा के बड़े जलस्तर की वजह से पटना से लेकर अगर आप उधर दानापुर के भी कई इलाके ऐसे हैं, खासकर जो दियारा की इलाका है, एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है, क्योंकि गंगा के बड़े जलस्तर की वजह से न सिर्फ दियारा बल्कि पहले 3-4 दिन पहले दियारा के इलाके प्रभावित हुए, तो अब धीरे धीरे जो कंगन घाट और पटना सिटी का जो इलाका है वो इलाका भी प्रभावित होते जा रहा है। अगर गंगा के बड़े जलस्तर की स्थिति ऐसी ही रही और जलस्तर बढ़ता है तो समस्या आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने जाकर स्थिति का जायजा लिया है, उन्होंने गंगा के बड़े जलस्तर को भी देखा है, अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया और जो भी उचित कदम उठाना है विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए अधिकारियों को और पल पल की जानकारी भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। राहुल, चलिए शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई जगहों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर हालात का जायजा लेकर के जरूरी निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। अब आपको भोजपुर में किस तरीके से बाढ़ के हालात हैं वो आपको इस खबर में दिखाएंगे। कई प्रखंड के कई गांव जो जिला मुख्यालय से उनका संपर्क टूट चुका है, सड़कों पर पानी बह रहा है, तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं। और बता दें कि शाहपुर, बिहिया, बड़हरा, आरा और कोइलवर प्रखंड के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं और पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। शाहपुर प्रखंड सबसे